हेलो फ्रेंड, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट असिस्टेंट और ऑडिटर का जो इंटरव्यू हो रहा है और 31 अक्टूबर को जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो लागत चालक किसे कहते हैं। तो लागत चालक किसे कहते हैं, तो इसका देखते हैं। एक चर जैसे कि एक क्रिया जिसके द्वारा निर्धारित समय में लागत होती है उसे लागत चालक कहते हैं। एक चर जो क्रिया की जिसके द्वारा निर्धारित समय में लागत होती है उसे लागत चालक कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय लेखांकन मानक परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए पहले भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन को। ये 1977 में मानक परिषद का स्थापना हुआ था। और इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन है ऐसा जिसमें पूछा गया है, क्या भारत आयात और निर्यात करता है। तो अगर करता है तो इसे संक्षिप्त में समझाना है। तो संक्षिप्त में देखिए क्या होता है इसका, हाँ आयात और निर्यात दोनों करता है भारत। और इसके बाद देखिए इसके समझाने का तरीका, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और जिसमें 6% की दर से लगातार वृद्धि देखी गई है और यहाँ तक कि वैश्विक वित्तीय संकट के समय में भी देखी गई है भारत की अर्थव्यवस्था को। और इसके बाद देखिए है, भारत कपड़ा रत्न और आभूषण इंजीनियरिंग वस्तुओं रसायन चर्म उत्पाद जैसी वस्तुओं का निर्यात करता है। और इसी तरह आयात देखिए क्या क्या चीज़ का करता है, भारत के आयात में क्रूड ऑयल, मशीनरी, रत्न, उर्वरक और रसायन शामिल है। तो इस तरह से देखिए कि ये क्वेश्चन का आंसर सटीक मिल गया है, भारत आयात और निर्यात कैसे करता है या नहीं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथ ही साथ लाइक भी करते चलिए। और इसके बाद देखिए, तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के लिए विचार को किस देश से ग्रहण किया है। तो पुनरावलोकन के विचार को अमेरिका से ग्रहण किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो देखिए, भारतीय संविधान के कौन से भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना पर विचार किया गया है। तो भारतीय संविधान के कौन से भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना पर विचार किया है, तो वो है भाग 4 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, क्या उद्योगीकरण की रणनीति और उद्योग का विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है, उद्योगीकरण की रणनीति और उद्योग का विकास। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो आपके साथ उनका भी भला हो जाए। और यहाँ देखिए पूछा गया अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। फिर पूछा गया इसी में, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है। ये दोनों क्वेश्चन जो है इतनी बार पूछा जा रहा है, इतनी बार कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लगभग बहुत लोगों से ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कम से कम 50% से 70% लोग से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में कितने जिले और मंडल हैं। और अगर जिले का नाम आया तो समझिए कि मंडल का नाम जरूर पूछना है, मंडल कितने हैं। इसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान गोरखपुर है। इसके बाद पूछा गया टर्मिनल क्या है, टर्मिनल के बारे में आपको बताया है, वह बिंदु जो, ये देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड है क्वेश्चन, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है वह टर्मिनल कहलाता है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, टर्मिनल किसे कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो, हार्ड डिस्क ड्राइव्स को कैसा स्टोरेज माना जाता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। और
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया क्या, सीडेक ने कंप्यूटर की सहायता से देवनागरी लिपि को पहचानने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया है? तो सीडेक ने देवनागरी लिपि को पहचानने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर बनाया है, जो कि देवनागरी लिपि को पहचान किया जा सकता है इस सॉफ्टवेयर से। इसके बाद पूछा गया कंप्यूटर से ये क्वेश्चन है, ब्राउजर किसे कहते हैं? तो ब्राउजर किसे कहते हैं, जिस सॉफ्टवेयर की मदद से यूजर इंटरनेट सर्फ कर सकता है उसे ब्राउजर कहते हैं। और ये ब्राउजर वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो आप लोग एक चीज़ ये करिएगा, मैं जितने भी वीडियो मैंने अब तक अपलोड किए हैं ये असिस्टेंट अकाउंटेंट इंटरव्यू का या जूनियर असिस्टेंट का, वो वीडियो आप ज़रूर देखें एक बार, और अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो वो सब वीडियो से लिए गए हैं, तो इसलिए आप एक बार ज़रूर देखिए सारे वीडियो। और ये देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थापित किया गया है? तो आप जान ही रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी अभी स्थापित किया गया है 31 तारीख को ही, और ये अहमदाबाद में स्थापित किया गया है, और जो कि अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर जनजाति जिले में नर्मदा के सरदार सरोवर डैम के निकट बनाया गया है, और यह भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक भव्य प्रतिमा है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी मतलब कि ये प्रतिमा है, सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कई लोगों से पूछा गया है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा चर्चित है इस समय, ये कई लोगों से पूछा गया है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु वो है लौह, मतलब कि लोहा सबसे ज़्यादा दूसरा धातु है जो कि पाया जाता है पृथ्वी में से। इसके बाद आप लोग ऐसा कीजिए कि जो वीडियो आप देख रहे हैं, अगर 2 से 3 बार अगर आप एक वीडियो देख लेते हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कुछ ना ही नोट करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप तो 2 से 3 बार अगर एक वीडियो देख लेते हैं तो आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। और यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? तो जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः जिंक ब्लेड अयस्क में किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन जो पूछा गया है, यहाँ देखिए, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो यह है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा दूर की वस्तुओं का ताप मापा जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? तो विकिरण के माध्यम से आती है। फिर देखिए पूछा गया है, ये कॉमर्स से ही क्वेश्चन है, वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण कोयले की सबसे मोटी परत भारत में कहाँ पाई जाती है? तो कोयले की सबसे मोटी परत भारत में सिंगरौली में पाई जाती है, जो कि ये MP में है। इसके बाद देखिए आज के लिए बस इतना ही, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने होंगे, तब आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। और जो लोग पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक जरूर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी फायदा हो जाए। धन्यवाद।